कलयुग का ज्ञान, आदमी और चूहा हमेशा छेंद की ओर भागता है। हमारे यहाँ गजब चल रहा है, चुनाव आता है तो कोरोना जाता है, चुनाव जाता है तो कोरोना आता है। सच सच बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? शादी का निमंत्रण आया है और शादी के कार्ड के अंत में लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। साला समझ में नहीं आ रहा है, बुलाया है या मना किया है? ये लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, कुछ दिन बाद तेरा एग्जाम आएगा। अरे बेटा पढ़ाई कर ले, तू रणछोड़ दास थोड़ी है जो वालिज बेल बोल के पास हो जाएगा। अच्छा हुआ कि लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना ठंडे पानी को भी बोल दे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ठंडा पानी। पत्नी 10-20 गोल गप्पे खाने के बाद पति से बोली, ए जी दो और खा लूं। पति, खाले नागिन खाले नागिन। क्या बोला? अरे भगवान नागिन खाले। इश्क प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर ले बेटा अभी तो मौका है। लोग बाग अपनी पत्नी को बड़े प्यार से धर्म पत्नी कहते हैं, तो अपने साले को धर्मशाला क्यों नहीं कहते? जरूरी नहीं कि हर पति प्यार में ताजमहल बनवाता फिरे, पत्नी के साथ बैठकर मटर छीलना भी मोहब्बत है। यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 GB डाटा खत्म होने पर मोबाइल ऐसा लगता है जैसे सूट बूट पहने घूमता हुआ बेचारा बेरोजगार इंजीनियर। ए सुनो फलानी, ठंड बहुत तेज आ गई है, अगर खाली हो तो स्वेटर बुन देना। मुझे तो न्यूज़पेपर में एक ही खबर अच्छी लगती है, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को गांव वालों ने बांध कर पेला। मेरा दोस्त मुझसे बोला कि यार तू तो रोज घर पी के जाता है, भाभी कुछ नहीं कहती क्या? मैंने कहा कहती है ना, कीड़े पड़े तुम्हारे दोस्तों को। इंडियन फैमिली में बड़ा प्यार होता है, बीमार एक पड़ता है और खिचड़ी पूरा परिवार खाता है। न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम बेरोजगार युवा। सरकारी नौकरी पाया हुआ लौंडा रिश्तेदारों के बीच में ऐसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा। भारतीय माता पिताओं की एक खासियत है, प्यार तो अपने बच्चों से ही करती है लेकिन तारीफ अक्सर पड़ोस वाले बच्चे की करती है।